नमस्कार, बीसीएन न्यूज के प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्री विवेकानंद संस्कृत विद्यालय शिवपुरी मोतहा हमीरपुर उत्तर प्रदेश की प्रबंधक रेखा आर त्रिपाठी ने दिल्ली के हिमाचल भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि हमीरपुर जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक श्याम सरोज वर्मा बिना किसी कारण बताए मुझे प्रबंधक पद से निलंबित कर दिया है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं दी गई है। पूर्व में भी उन्होंने ऐसा ही कार्य किया था जिसके खिलाफ मैं कोर्ट गई थी। उसके बाद पुनर्मुझे प्रबंधक नियुक्त किया गया था, लेकिन इस बार भी उन्होंने ऐसा ही कार्य किया है। रेखा त्रिपाठी ने जिला विद्यालय निरीक्षक श्याम सरोज वर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह गलत तरीके से स्कूल में नियुक्तियां और फर्जी बिल बनाकर सरकार को 80 लाख रुपए का चूना लगा रहे हैं, जिसकी शिकायत मैंने सरकार और कोर्ट से भी की थी। अब यह मामला कोर्ट में विचाराधीन भी है। उसके बावजूद भी मुझे स्कूल से निलंबित कर लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं। इस कार्य में ट्रेजरी ऑफिसर दिनेश कुमार, डीआर महेंद्र देव भी शामिल है। उन्होंने बताया कि मैंने कोर्ट को बिल बनाकर दे दिया था और कोर्ट को फॉलो कर रही हूँ। कोर्ट के आदेश से जो मैंने बिल बनाया था उसको छुपाकर नया बिल बनाकर अधिकारियों ने मेरे स्कूल से पैसे निकाल लिए हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा रेखा राम रतन त्रिपाठी नाम है पूरा। कहाँ से है मैम आप? मैं कानपुर के पास हमीरपुर है, वहाँ से हूँ। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट आपने रखी है, क्या मुद्दा आप उसमें रख रही हैं? क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ 2017 से नाइंसाफी हो रही थी मेरे घर वालों के साथ और मेरे साथ। जो ये स्कूल माफिया लोग हैं, जिनका नाम है श्याम सरोज वर्मा, डीआर महेंद्र देव और दिनेश कुमार जी, जो ट्रेजरी ऑफिसर हैं, जिनके वित्त पावर रहता है, वित्तीय पावर इनके हाथ में, तो ये लोग जब इनकी मर्जी होती है तो ये मेरे को एक ही दिन में सस्पेंड कर देते हैं। मामला क्या है मैडम, मामला बताइए पहले। हाँ, मामला ये है कि हमारे स्कूल में, मेरा हाई स्कूल तक श्री स्वामी विवेकानंद स्कूल का, श्री स्वामी विवेकानंद संस्कृत विद्यालय, ये आपका स्कूल है जी, आपने बनवाया है जी। अच्छा, और मैं वहाँ की मैनेजर हूँ। कोई कब्जा करना चाहता है उसको? हाँ हाँ, तो ये अधिकारी लोग ही कब्जा करना चाहते हैं, और एक बार कब्जा हो गया था, बेदखल कर दिया गया था, इस बार भी ऐसा ही किया। स्कूल है मेरा, हाई स्कूल तक पढ़ाते हैं, सरकारी हो गया है वो, उसमें शिक्षक भी हैं, 3 शिक्षक हैं अभियाल, और एक शिक्षक मतलब एक था तो उसको अपने आप से कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो अभी आता जाता। अच्छा, नहीं आपका स्कूल है तो आप ही को क्यों हटाना चाहते हैं? कौन लोग हटाना चाहते हैं आपको? ये अधिकारी लोग इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि इन ये लोग ना स्कूलों में जो हिंदी पढ़ाता है उसको संस्कृत में करते हैं, जो हमारे स्कूल का अध्यापक है ही नहीं उसको तनख्वाह देते हैं, तो ये पैसा इन लोगों की जेब में जाती है, टीचरों की नहीं। तो ये इसलिए करप्शन लोगों को रखते हैं, और मैं करप्शन बर्दाश्त नहीं करती हूँ तो इनको मैं बर्दाश्त नहीं हो रही हूँ। मैं एलिगेशन करती हूँ, बराबर लेटरबाजी करती हूँ, कोर्ट कचहरी जाती हूँ कि ये गलत हो रहा है, ये गवर्नमेंट का पैसा है तो क्या हुआ, लेकिन गलत जगह क्यों जा रहा है? इंसाफ करो, बाकी लोगों को भी रोजगार मिले ना। जब मतलब गलत लोग, कितने कितने बड़े अधिकारी इसमें मिले हुए हैं और आपको हटाने की तैयारी कर रहे हैं? हट चुकी हूँ, मेरे को हटा दिया, मतलब 15 तारीख को बिना सूचना दिए मुझे हटा दिया गया है, और जबकि मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई गलती नहीं है, मेरा कोई रीजन नहीं है हटाने का इन लोगों के पास, फिर भी मुझे 15 तारीख को प्रिंसिपल को बुलाकर लेटर दिया गया कि मैनेजमेंट से आपको बेदखल किया जाता है, और मुझे आज तक अभी भी सूचना नहीं दी गई। मुझे प्रिंसिपल द्वारा सूचना मिली जिससे मैंने लेटरबाजी की, इसके बाद भी इन्होंने ट्रेजरी से बिल निकाल लिया गया, मतलब जो पैसे थे वो अनलीगल तरीके से निकाल लिए और मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। मैं चाहती हूँ इन लोगों पे कार्रवाई हो। तो किससे मांग कर रही हैं आप? मैं सरकार से बहुत दिन से मांग कर रही थी, कोर्ट कचहरी से भी चल रहा था, लेकिन किसी ने आज तक नहीं सुना। फिर इसके बाद मेरे भाई हैं राजेश झांजी, सैल्यूट तिरंगा से हमारी संस्था है, मेरा परिवार है, मैं भी इस संस्था से जुड़ी हूँ, तो मैंने दुख की वजह से बोला तो उन्होंने मुझे धीरज बंधाया और बोले कोई बात नहीं, आप आओ, आप अकेले नहीं लड़ेंगी, हम आपके साथ हैं, हमारा परिवार आपके साथ है, हम सैल्यूट तिरंगा आपको मिलकर इंसाफ दिलाएंगे, जो भी होगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। शिवपुरी मोदा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो आप सरकार से मांग कर रहे हैं, योगी सरकार से? हाँ,
मैं सरकार योगी सरकार से मांग नहीं कर रही हूँ, योगी जी से बोल रही हूँ कि योगी जी आप जांच कराइए, क्योंकि मांग करके थक गई हूँ। अभी मैं केंद्र सरकार से मांग कर रही हूँ कि उत्तर सरकार डायरेक्ट जांच कर सकती है, क्योंकि योगी जी अगर भेजेंगे तो उन्हीं गुनहगारों को ही स्कूल में जांच के लिए भेजेंगे ना। और कई बार कई स्कूलों की जाँच हुई, लेकिन वही चेहरे आते हैं जो खुद गुनहगार हैं, जिनके नहीं। योगी जी को मैं लांछन नहीं लगाती, वो बहुत अच्छे हैं, उन पे लांछन लगा भी नहीं सकती। उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो मतलब वो चाहेंगे तो जैसे भूखियों को उखाड़ फेंका, वैसे ही मेरे स्कूल माफियाओं को। आपको ये लगता है कि मतलब अगर योगी जी से बोलेंगे तो वो उन्हीं अधिकारी को भेजेंगे, इसलिए केंद्र सरकार जो है हमारे प्रधानमंत्री हैं वो इस पर योगी जी अमल करें और योगी जी स्वयं संज्ञान लें और योगी जी ही केंद्र सरकार को बिठा कर जाँच कराएं। आपकी आगे देखो, अभी अभी तो मेरे साथ सैल्यूट तिरंगा परिवार भी आ गया और लोग भी जुड़ेंगे। कहते हैं ना, सच्चाई हारती नहीं है, पराजित नहीं होती है सच्चाई। मतलब तकलीफें आती है, देर लगती है, लेकिन पराजित नहीं हो सकती। मैं इस स्कूल में कई सालों की मेहनत लगी हुई है और इतने सारे पैसे लगे, करोड़ डेढ़ करोड़ रुपए खर्च किया गया है, जिसमें मैंने मेरा 20 बीघा खेत और 2-2 मकान बेचे हुए हैं। उसके बाद भी मैं हरिसमेंट हो रही हूँ। इसलिए प्राइवेट स्कूलों को बोलती हूँ कि जिसके प्राइवेट स्कूल हो ना, तो वो कभी ये ना सोचे कि हम सरकारी करा लें। जो प्राइवेट है सुकून तो रहेगा, नहीं तो स्कूल माफियाओं के कब्जे में जाकर और उन लोगों को कभी सुकून भी छिन जाएगा। हाँ मैडम, ये ऐसा पहले भी से सरकारी हुआ, तभी से तकलीफें हैं। मैं बराबर आपके गुहार लगा रही हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। कोर्ट में मैटर पड़े हैं, मैं मतलब रिटर्न चल रही है, फिर भी कोर्ट ऑर्डर कर देता और ये लोग ही ऑर्डर कराते हैं, क्योंकि वो इन लोगों का पूरा एक गढ़ है जो सब मैनेज करके सारा कुछ करते हैं। और ऊपर और ये थोड़ा बहुत पैसा नहीं है, करीब 70-80 लाख रुपए निकालने के चक्कर में ये लोग। मिशन न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। आज दक्षिणी दिल्ली के मोहन गार्डन 25S पर दक्षिणी दिल्ली के महापौर मुकेश सुरयान व जॉन के चेयरमैन श्वेता सेन और 25S के निगम पार्षद श्याम मिश्रा द्वारा गली मोहल्लों का जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि जल्दी FCTS के तहत कूड़ादान और कचरे से बिजली बनाने वाला प्लांट तैयार किया जा रहा है। साथ ही मोहन गार्डन में जच्चा बच्चा केंद्र भी बनाया जा रहा है। दोनों का महापौर के द्वारा जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही निगम पार्षद श्याम मिश्रा ने बताया कि मोहन गार्डन में जच्चा बच्चा केंद्र खोला जा रहा है, जिससे माँ और बच्चे को सुरक्षा दी जा सकेगी और मातृ शिशु मृत्यु दर पर भी रोक लगेगी। वहीं आपको बताते चले कि श्याम मिश्रा व सुधा मिश्रा ने महापौर और जॉन के चेयरमैन का फूलों का गुलदस्ता देकर और शाल ओढ़कर सम्मान किया। साथ ही श्याम मिश्रा के साथ लगन से काम करते वाले सभी लोगों का भी श्याम मिश्रा ने फूलमाला पहनाकर सम्मान किया है। और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। देखिए, आज मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे मेयर साहब हमारे वार्ड में आए, हमारे जोन के चेयरमैन श्वेता जी, हमारे अतिरिक्त आयुक्त रमेश वर्मा जी हमारे आके आज हम लोगों को DC साहब सब मनोबल बढ़ाए। लेकिन आपने देखा कि आज हमारे जितने भी अधूरा काम था वो सारा अब हमारा पूरा होते दिख रहा है। हमारे जो जच्चा बच्चा केंद्र हमारा सपना था वो भी हो गया और हमारा FCTS जो हमारा पूरे का निस्तारण था, पूरे का जो निपटारा करने के लिए हम FCTS बनवाना चाह रहे थे, वो भी हो गया। तो मैं हृदय से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा वार्ड, मैं चाहता हूँ कि HDMC में सबसे अच्छा वार्ड हो। बड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे और हमारे चेयरमैन साहब भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी। हमारे सभी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और वाकई में जमीन पर जब उतरते हैं तो सच्चाई पता लगती है। सच्चाई का सामना है कि तो निगम की हर कार्यकर्ता, हर आदमी तारीफ करा, गली गली निगम की तारीफ हो रही है। जच्चा बच्चा केंद्र बता, इसकी हम अगले महीने इसको हम उद्घाटन कर देंगे और यहाँ पे इसको चालू कर देंगे। और हम कोई भी बात है ना हवा में नहीं करते, जमीन पर आकर कार्य मुहैया करते हैं, तब बात करते हैं। तो नगर निगम के काम में मुझे लगता नहीं कहीं कोई किसी की तरह की कमी है। तो फिर भी दिल्ली सभा ने उनकी सुननी और सोचना बंद कर दिया है। जनता उनको जवाब दे रही है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं। झूठ के अलावा सिर्फ पत्राचार करना है, वो मुख्यमंत्री भी नहीं है, वो प्रचार मंत्री, हमने उनका बोलना शुरू कर दिया। तो ऐसी सरकार का जिक्र करने का कोई फायदा नहीं, जनता के इतने सामने थे। बारिश का मौसम है, उसके बाद भी आप देखिए कितनी व्यवस्था ठीक है। नालियाँ भरना, नालियाँ खाली होना, अब ये शर्ट आपने पहनी बहुत अच्छी, लेकिन इसको 2 दिन नहीं पहन सकते आप। तो सफाई एक ऐसी व्यवस्था जो निरंतर करना पड़ता है, लेकिन इसको आप 3 दिन पहले गंदी हो जाएगी, लेकिन आज बहुत बड़ी अच्छी लग रही है।
तो सफाई एक ऐसे तरह का एक कार्यकारी है कि रोज़ सुबह अगर नहीं होगा नहीं सफाई होगी, क्योंकि यूटिलाइजेशन घरों में पानी का उतना कंजम्पशन रेगुलर रहता है, इसलिए नालियों की सफाई को लेकर के हम लोग बड़े लाज ले। आप लोग देखे ही होंगे जो पैदल चल के आए हैं तो निगम पार्षद जी कितना अच्छा, और जो हमारा एमसीडी का कर्मचारी है उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो इतने मौसम खराब होने के बाद भी जहाँ उनको कहते हैं कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार रहते हैं। और आज जो हमारे यहाँ मेयर साहब आए थे, चेयरमैन आई थी वेस्ट जोन की, श्वेता सैनी जी और मुकेश सुरियान जी, उन्होंने जितना भी काम इन्होंने किया है इस महामारी के बावजूद भी बजट लाकर एमसीडी की सरकार ने, सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने बजट दिया है, और उसके बावजूद भी महामारी के बावजूद भी ये काम सबको देखे, जच्चा बच्चा केंद्र कितना संघर्ष करने के बाद इसको हम जच्चा बच्चा केंद्र बना रहे हैं महिलाओं के लिए, और आपने देखा वहाँ की कंपेक्टर मशीन के लिए 1.5 करोड़ की लागत से वहाँ पर भी एमसीडी के सभी कर्मचारी को मैं, सभी अफसरों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने साथ सहयोग करके और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बीसीएन न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे, देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।